कुरुक्षेत्र से अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। यहां विवाहिता को जहर देकर मारने का मामला सामने आया है। लड़की के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। वहीं अर्थ प्रकाश संवाददाता के पास सीधे घटना स्थल पर ले चलते हैं और दिखाते हैं ससुराल और मायके वाले अपने पक्ष में क्या कह रहे हैं। का बहुत ही संगीन मामला सामने आ रहा है। हमारे साथ जो लड़की पक्ष वाले हमारे साथ खड़े हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ मामला है। इस टाइम हम पोस्टमार्टम जो हाउस है यहाँ खड़े हैं कुरुक्षेत्रा में लोकनाथ जैक प्रसाद हॉस्पिटल से। हमारे साथ लड़की के जो परिजन है वो मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ मामला है। क्या कुछ मामला है सर? सर लड़की को तंग किया करते थे, लड़की ने तंग आके वो कर दिया है। और कहाँ की लड़की है और कहाँ गई? गक्षिणा गाँव की लड़की है, ये सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में शादी है तो गाँव को सर भैंसवाल गाँव में लड़की थे रखी। और यहाँ पे कुरुक्षेत्रा में जो उनके हस्बैंड थे वो यहाँ पे जॉब करते थे डॉक्टर लाइन में। क्या नाम है? मनोज कुमार। तो आप क्या लगते हैं लड़की के चाचा? लड़की के चाचा हैं। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है लड़की को मारा है जी? कब से परेशान कर रहे थे लड़की को? लड़की को बहुत दिन से परेशान कर रहे थे जी। तो आपने पहले कोई पंचायत वगैरह नहीं करी? कभी हमें लड़की ने बताया नहीं है, अब तो अब बिल्कुल हो गया है तब जाके। हमारे बीच में यहाँ पे अभी पुलिस अधिकारी भी मौजूद है जो मौके की जो शिनाख्त कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है सर आपको? लड़की सोनिया के पिता ने एलिगेशन लगाया है कि उसके दामाद मनोज कुमार और उसकी सास ने और उसकी ननद मीना ने मिलकर इसको जहर देकर इसकी हत्या की है। आगे तफ्तीश करेंगे, तफ्तीश में जैसे पाएगा उसके मुताबिक शीघ्र कार्रवाई। तो आपने जो आरोपी हैं उनको हिरासत में ले लिया है अभी? नहीं अभी संदिग्ध अभी लिया नहीं, अभी कार्रवाई कर रहे 174 की। ये कार्रवाई करते ही उसी समय उसकी हिरासत में ले। तो ये पोस्टमार्टम हो चुका है जी? अभी नहीं, पोस्टमार्टम अभी करवाना है, डॉक्टर साहब की वेट कर रहे हैं, कागजात पूरे हैं, डॉक्टर साहब आके पोस्टमार्टम कर देंगे। धन्यवाद सर जी। ये हमारे बीच में जो लड़का पक्ष के परिजन मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या मामला हो गया जी? जी कुछ मामला नहीं था। हाँ जी। वो हम तो गांव में रहा करते। हाँ जी। हम दिवाली पाए थे। हाँ जी। बस ले वो ये पोती बीमार होगी, पोती बीमार होगी तो फोन गया, अब भाई पोती बीमार होगी मैं कब आऊँ, मैं पोती का आराम हो लेंदे थोड़ा सा और फिर आ जाइए। अच्छा फिर ये पोती का आराम होया था, मैं फोन करा मैंने माई तू आ जा ठीक। वो मनोज ती बोली बोलिया भाई मैंने आज बिठाया, वो नहाने लग गई, मनोज बच्चा स्कूल में छोड़ने चलिया गया। अरे बस ये बात थी। तो जी जो आरोप लग रहे हैं कि मारा है या जहर दिया है, ये तो सारे सारे मार रहे पाऊंगे मैंने कर रखे बस। ये कभी बिल्कुल सारी झूठ से। तो मतलब हत्या कैसे हुई है? अच्छा दादी आम गाँव में थे ये, यहाँ थे क्या पता गेहूँ हमें सल्फा थी कई महीने दबरी थी बस वो लड़की ने खा ली है। कि बाद में क्या तफ्तीश में निकलता है, अभी पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई कर रही है कि क्या कुछ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही सच कहा जाएगा। मैं अरविंद शर्मा कुरुक्षेत्रा से। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।